हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, हाउ मेनी कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 मिलीमीटर थिक मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कितने ऐसे कॉइंस हैं जिनको की जिनका की डायमीटर, ऐसे कितने कॉइंस जिनका की डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और उनकी जो थिकनेस है वो कितनी है 2 मिलीमीटर है, 2 mm है ना। इसको मेल्ट करके, इसको पिघला के टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाया गया है जिसकी डायमेंशन दी गई लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कॉइंस बताना है, नंबर ऑफ कॉइंस यानी कितने कॉइंस होंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कह रहा है, हाउ मेनी कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 mm थिक मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कितने कॉइंस को 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 mm थिकनेस का, ऐसे कितने कॉइंस हैं जिनको की मेल्ट करके, जिनको की पिघला करके एक क्यूबॉइड बना दिया गया, जिनको क्यूबॉइड की डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई। ठीक, यहाँ देखिए डायग्राम में बना दिया गया, ये देखिए ये कॉइन लिया हमने, जब कॉइन लेंगे थिकनेस देखिए कितनी 2 mm, तो इस कॉइन की हाइट क्या हो जाएगी 2 mm। ठीक है, थिकनेस यहाँ पे देखिए, थिकनेस यानी कि मोटाई, जो सिक्का है उसकी मोटाई दी गई, मोटाई तो हमने अगर सिक्का ऐसे रखा है तो उसकी थिकनेस ये है, तो यहाँ पे थिकनेस क्या हो गई, हाइट हो गई, और इसका डायमीटर दिया गया 1.75 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कॉइन का डायमीटर। ये सिक्का है, ये कॉइन है, कॉइन का डायमीटर हो गया, ये कॉइन की थिकनेस हो गई, इसको थिकनेस को आप हाइट बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, अब इसके मैं बताना है कि इस तरह की कितने कॉइंस हैं जिनको की पिघला करके, इनको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कॉइंस बताने, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉइंस की हम डायमेंशन जो दी गई इसको लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते, देखिए यहाँ डायमीटर ऑफ कॉइन कितना दिया गया, डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। इसको रेडियस निकाल लें, इससे रेडियस ऑफ पॉइंट, रेडियस ऑफ पॉइंट 1.75 है डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको अगर डिवाइड कर दें तो 0.28 2 7 14 2 5 10 ये आ जाएगा आपका। इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें, डेसिमल हटा देंगे तो आ जाएगा 875 अपॉन 1000 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसके देखिए हाइट भी दी गई, थिकनेस जो है पॉइंट की वही हाइट, हाइट ऑफ पॉइंट लिख लीजिए या थिकनेस ऑफ पॉइंट, यहाँ पे इसको एच से दिखा दें। ठीक, एच ये कितना दिया गया 2 mm 2 मिलीमीटर, यहाँ पे सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सॉरी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड करने बदलने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड। ठीक, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में देखिए कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। चलिए अब इसके बाद, हाँ अब इस पे हम क्यूबॉइड पे आते हैं, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड भी बिल्कुल क्लियर यहाँ लिख दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड dimensions of cuboid are दिए गए, लेंथ दी गई, ब्रेथ दी गई, लेंथ कितनी 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया। चलिए अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइंस, यानी कितने ऐसे कॉइंस हैं इस मेजरमेंट यानी 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर के और 2 mm थिकनेस के, कितने कॉइंस हैं जिनको की मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया गया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइंस बताने, यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमें नंबर ऑफ कॉइंस बताने, हम ले रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे देखिए, लेट द नंबर ऑफ कॉइंस, यहाँ हम ऐसे सपोज कर ले रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइंस बी एन स्मॉल एन, हमने क्या ले लिया, लेट द नंबर ऑफ कॉइंस बी एन, हमने ले लिया कि मान लीजिए नंबर ऑफ कॉइंस यानी सिक्कों की संख्या कितनी स्मॉल एन ले लिया एन। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्के इस डायमेंशन के, इस मेजरमेंट के पिघला के क्यूबॉइड का फॉर्म बदल, क्यूबॉइड में बदल दिया जा रहा है, बहुत सारे सिक्के इस डायमेंशन के, इसलिए इस डायमीटर और इस थिकनेस के बहुत सारे सिक्के, पता नहीं कितने, बहुत सारे,
उनको क्या किया गया, पिघला के एक क्यूबॉइड बनाया गया जिसकी की लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है। तो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि एक एक जो है सॉलिड दूसरे सॉलिड में मेल्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पॉइंट हमने एन ले लिया, यहाँ होगा क्या, देयरफॉर हम दे रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट यानी कि स्मॉल एन, नंबर ऑफ पॉइंट यानी कि एन, तो नंबर ऑफ पॉइंट इंटू वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ पॉइंट इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, ठीक है, यानी देखिए नंबर ऑफ पॉइंट इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होगा। यानी कि कैसे कि पता लगेगा हमें नंबर ऑफ पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं देखिए एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में ना वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, यहाँ नीचे ही आएंगे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए अब हमें पता लग जाएगा क्या करना है हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पॉइंट पता लग जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इतना हो ही गया, ये पॉइंट है इधर कर लेते, ठीक है, डायमेंशन सारी क्लियर है। चलिए पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, जो पॉइंट है आपके पास इसकी क्या, इसका आपका रेडियस भी दिया गया और हाइट भी दी गई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पॉइंट है वो किसके फॉर्म में दिख रहा है, वो सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहा है ना, पॉइंट सिलेंडर के फॉर्म में, उसके पास डायमीटर भी है, उसके पास हाइट भी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म हुआ ना, तो सिलेंडर यहाँ पे जो कॉइन है वो कैसे लिया जाएगा, एज अ सिलेंडर। चलिए अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, फॉर्मूला तो सिलेंडर वाला ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा हमें पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास क्या क्या है हम लिख ले रहे हैं, अब यहाँ देखिए चलिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 22/7, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। चलिए अब उसके बाद आर कितना रेडियस था हमारे पास, ये है रेडियस आर, आर स्क्वायर यानी 875/1000, आर स्क्वायर टू टाइम लिखेंगे 875/1000 इंटू 875/1000 है ना, आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी, हाइट है 2/10 cm, 2/10 cm, डायमेंशन सारी सेम रहेगी, सेंटीमीटर में ही सारी ली हमने है ना, कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है, इसको अगर हम सॉल्व करें, चलिए 5 से करते हैं इसको, करने 5 से 5 2 10 यहाँ पे आ जाएगा 0 0, 5 2 10 ये आ गया 0 0, यहाँ पे 5 5 5 7 35 5 5 25 होगा ना। चलिए अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 5 से ही हो जाएगा, फिर कर ले 5 से 5 4 20 ये 0 वाले यहाँ 40 आ गया, हम करेंगे 5 से 5 3 15 5 5 25 होगा ना, 5 3 15 और 2 चला गया 25 हो गया, तो 5 5 25। उसके बाद फिर 5 से कर लेंगे, देखिए 5 8 40 5 7 35 5 7 35, अब ये 7 7 7 7 ये कैंसिल हो जाएगा है ना, फिर कर ले रहे इसको ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होगा, देखिए ऐसे ही यहाँ पे इसको करेंगे हम, चलिए निकल दें ये 5 10 0 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 5 7 35 5 5 25, ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे इसको, देखिए फिर से कर दे रहे 5 से ही, यहाँ देखिए 5 4 20 0 आएगा ना, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 5 3 15 यहाँ लिख देंगे 5 3 15 5 5 25 यानी आ गया 35 है ना। चलिए फिर करेंगे 5 से 5 7 5 7 35 5 8 40, ठीक है, चलिए ये आ गया। और देखिए अब यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 2 2 4 8 2 2 2 4 8, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2 2 2 2 4 8 आया, और देखिए ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यानी ऊपर बचा देखिए कितना, ऊपर है 11 इंटू 7, बस
ऊपर एरिया है 11 × 7 11 × 7 डिवाइड बाई नीचे कितना आया है, नीचे आया 4 × 4 यहाँ पे 10 भी है, 4 × 4 × 10 बचा है, 4 × 4 × 10 ये बचा, तो मल्टीप्लाई करा लेंगे आ जाएगा 77/160 आएगा ना। देखिए इतने बचा, न्यूमीटर में इतना बचा है और डिनोमीटर में इतना, आप क्रॉस आउट करेंगे आएगा इतना है, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम जब 77/160 है, 77 को हम 160 से जब डिवाइड करेंगे, इसे 160 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में जाएगा, यानी आएगा 0. हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आएगा आपका 0.48125 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम है ठीक है, कितना है 0.48125 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये किसका आ गया वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट का वॉल्यूम आ गया ठीक। हम क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका निकाल ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, चलिए यहां निकाल लेते हैं ठीक है, डायमेंशन दी गई हम लिख दे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड सबको पता क्या होगा LBH, L × B × H, लेंथ है 11, ब्रेथ है 10 और हाइट है 7, मल्टीप्लाई करा लेंगे आ जाएगा 770 क्यूबिक सेंटीमीटर, आएगा ना। चलिए आ गया, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, कॉइन का भी वन पॉइंट, एक कॉइन का निकाल लिया और इस क्यूबाइड का निकाल लिया, हम कैसे पता लगेगा नंबर ऑफ पॉइंट, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट से डिवाइड कर देंगे ठीक है। चलिए करते हैं, इसको लिख लेते हैं, जगह कम है इसको यहाँ मिटा दे, मिटा के यहाँ लिख दे, देखिए देखिए यहीं से एन इज इक्वल टू, एन का मतलब क्या नंबर ऑफ पॉइंट, में सपोज क्या लेट दिए नंबर ऑफ पॉइंट भी एन, एन इज इक्वल टू क्या देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, ये रख देंगे वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है 770 अपॉन, ये कितना है वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट, ये आया 0.48125 ये आया है ठीक है, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर 770 पहले से ही डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 48125। अब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1600, आप डिवाइड करके से देख सकते हैं ये आएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट एन इज इक्वल टू कितना आ गया 1600, यानी कितने पॉइंट बनेंगे 1600 पॉइंट, कितने 1600 पॉइंट ठीक, यानी कि 1600 ऐसे ही इस डायमेंशन के 1600 पॉइंट्स को अगर मेल्ट किया जाएगा तो एक क्यूबाइड बनेगा, नंबर ऑफ पॉइंट बताने से नंबर ऑफ पॉइंट पता लग गया, एन यानी नंबर ऑफ पॉइंट कितने 1600 पॉइंट ठीक है ना। कर लीजिए,